हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ वेद प्रकाश। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो चलिए आज हम आपको घुमाते हैं कौवा कोल। कौवा कोल में ये खास एक जगह है जिसे बोलते हैं बोलता पहाड़। यहाँ पर खासियत ये है कि जब आप इस पहाड़ के सामने एक खास जगह से कुछ आप बोलेंगे तो वही बात ये पहाड़ दोहराएगा। यहाँ पर इस खासियत के लिए नवादा के बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं जो कुछ वही बात इस पहाड़ के द्वारा बोली जाती है। आवाज टकरा कर इको होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं और अपनी आवाज को रिपीट करवाते हैं पहाड़ से। यहाँ पे हम लोग को घुमा रहे हैं उमेश कुमार। उमेश जी, बताएंगे इस बोलता पहाड़ की खासियत क्या है? छोटा छोटा थे तो ले जाते थे पापा मम्मी की, चलो गोलता पहाड़ बुलाते, तो हम लोग भी आए कि चले देखते हैं गोलता पहाड़ में क्या खासियत। तो शुरू से हम लोग आए तो यहाँ का जैसे गाँव का माहौल है तो बोलता था कि लोटा ले मेहसी थारी, तो वहाँ से आवाज निकलता था थारी। अगर लोटा थारी बोले कि लोटा लोगे तो लोटा, मतलब जो भी बोलिएगा उस वो आवाज उधर सा आपको बोलेगा, वो भी जिस तरह हम लोग बोलते हैं उसी तरह का। हाँ, हूबहू। चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह से आवाज लौटती है। उमेश जी हम लोग को दिखाएंगे बोल के कि इनकी आवाज को कैसे इस पहाड़ के द्वारा लौटाया जाता है या इको किया जाता है। भेज, आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको सुनाई दिया होगा कि जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं पहाड़ वही चीज रिपीट कर रहा है, मतलब कि हम जो बोलते हैं वो पहाड़ द्वारा रिपीट की जा रही है। आगे चलने पर हमें यहाँ नीम और दूध गुरैया के पौधे दिखे। आप देख सकते हैं दोनों पौधों को, दोनों आस पास में हैं। इन्हें यहाँ के लोग दातुन के रूप में इस्तेमाल करते ये हैं। दूध गुरैया का पेड़ है, ये नीम का है, ये दूध गुरैया का, नीम से भी ज्यादा ये तीखा होता है दूध गुरैया का पेड़। इससे लोग सुबह में जिसे आप लोग ब्रश करते हैं उसी तरह दंत, मतलब हम लोग करते हैं, मुँह धोते हैं, इससे बहुत सारे दांत का जितना भी बीमारी है वो ठीक हो जाता है। अब हम इसको दातुन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उमेश जी बताया है थोड़ा कड़वा होता है नीम से भी ज्यादा, तो हम चख के बताते हैं। कड़वा लग रहा है लेकिन अगर दवा है, कड़वी है, तो इस्तेमाल में लानी चाहिए। चलिए मुंह धोते धोते चलते हैं आगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। उमेश ने ही बताया कि ये जंगली प्याज बहुत ही फायदेमंद है, जैसे बच्चा को लैट्रिन वेट बात मतलब होता है उसमें पीस के पिलाया जाता है तो ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक टाइप का ये जड़ी बूटी टाइप का ये प्याज है, ये व्हाइट कलर का होता है। चार चार मुँह का है, चारों प्याजे है इसका एक ही जड़ी में, और इससे भी बड़ा बड़ा होता है, व्हाइट कलर का ही होगा। इसका पत्ता भी काम करता है दवा के रूप में, और इसका 2 साल तक भी रखेगा, सड़ेगा ना गलेगा। उसे हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं, ये अक्सर आप बाजार में इसे देखते होंगे कि ऐसे तो ये काफी सूखा जैसा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे पानी में डालते हैं। हरा हो जाएगा पूरा हरा, और इसका पानी छान के पीने से सवेरे गैस आपको नहीं बनेगा, गैस का बहुत अचूक दवा है। पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, और ऊपर आसमान में देखिए किस तरह से बादल है, उसके आगे इस तरह से बड़े बड़े से चट्टान है। यही नहीं, इस तरह से कई चट्टान पहाड़ पे इस तरह से रखे हुए लगते हैं कि जैसे वो कभी भी गिर जाएंगे, लेकिन गिरते नहीं है। जब से ये पहाड़ अस्तित्व में आया है तब से इस तरह से देखिए कि वहां पर उस तरह वहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से एक बड़ा सा चट्टान लग रहा है कि यहाँ पे रखा हुआ है। आंधी तूफान आने पे ये गिर सकता है, बारिश में ये नीचे कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये गिरता नहीं है। ये शुरू से अब तक इसी तरह से रखा हुआ है, और वहां पे आप देखिए तो वो और ज्यादा खतरनाक जैसा लगता है कि कभी भी वो नीचे गिर सकता है आंधी तूफान आने से या फिर भूकंप आने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। भूकंप आए, आंधी तूफान, इसी तरह से बोलता पहाड़ टिका हुआ है, और उसपे जो इस तरह से चट्टान रखे हुए हैं वो उसी तरह से रखे हुए हैं। ये इस तरह के चट्टान पहाड़ की खूबसूरती को बढ़ाता है, और वहां पे आप देख सकते हैं अगर आपको नजर आता है वहां पे कुछ लोग हैं जो टॉप पे वहां पे दिख रहे हैं, वे लोग वहां पे चढ़ गए हैं,
और खूब इंजॉय कर रहे हैं इस जगह को। तो मतलब कि कहा जा सकता है कि यहाँ के स्थानीय लोग इस पहाड़ पे अक्सर आते हैं और खूब मजे लेते हैं, और खास करके देखा जा रहा है कि वो लोग फोटो खींच रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। देखिए हमारे जो गाइड हैं उमेश कुमार भी सेल्फी ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप एक बार यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ बार बार आने का मन करेगा। खूबसूरत वातावरण, प्रदूषण का कहीं नामो निशान नहीं, और इस पहाड़ पे बहुत सारी जड़ी बूटी है। ये जो पहाड़ भी देख रहे हैं बहुत सारे चट्टान है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग पहले बहुत सारे लोग जो आते थे वो अपना नाम या अपनी प्रेमिका का नाम इस तरह से यहाँ पे लिख के जाते थे। आजकल वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब पहले हम यहाँ आते थे तो वो दिखता था। तो इसी तरह बिहार में जितने भी घूमने लायक पर्यटन स्थल है आपको हम हर जगह ले जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। Thank you.